सोनोटेक कैसेट्स। लड़के ने कमाल कर दिया, आइए बैठिए। हाँ, अब युद्ध की खुशी में कोई गाना बजाना सुनवाओ हमें। बिल्कुल, आपका मनोरंजन किया जाएगा। हाँ, हाँ। आपकी तबीयत खुश की जाएगी। वाह वाह वाह। रात शाम सपने में जब शाम
अब आप अपने लड़के की कुशल पूछो। अब हमको मैदान जंग के समाचार बताइए। तुम्हारे लड़का ने वो कमाल किया है कि आप गाना सुन रहे हो, इतना मजा गाने में नहीं आया जितना के मजा तुम्हारे लड़के के युद्ध में आया था। हमसे पहले कहा था हम भाई वाह, लड़का हो तो ऐसा हो और राजा हो तो वाह भाई बेशरम, वाह वाह भाई बेशरम, वाह वो लड़का। वैसे लड़का आपका ही है, शक इसमें क्या शक है, है? क्या लड़के हैं आपके? मैंने पहले ही कहा शेर नहीं है कि शेर जनती है। कौन सी तारीख का जन्म है उसका, क्या मतलब? मैं यही पूछ रहा हूँ, आप नाराज क्यों होते हैं? ये तो हमें ध्यान नहीं है। नहीं है ध्यान? लेकिन तो ये मतलब ऐसा है कि क्या व्यंग सा कस रहे हो? व्यंग सा ये है, ये लो तुम्हारे लड़के का टिकट मिला। शंकरगढ़ का युवराज भयंकर सिंह, देख लो देख लो, ये तलवार तलवार तुम्हारे लड़के की है। कहां और से मिली? इतनी बुरी तरह मारा है मोहवे वालों ने उसे, नहीं क्या आप उसकी शक्ल नहीं पहचानोगे? उसने हमारी तुम्हारी बेइज्जती करा दी, नाक कट गई हमारी तुम्हारी, बिल्कुल जंग मैदान में जंग मैदान के भाग गया। अभी इस तरह खड़ा था युद्ध में, ऐसे खड़े होते हैं बहादुर, हो ऐसे खड़ा था, देख लो नाक कटा दी। चल हटका यार बुजरे, अबे पाजी नो ते हराम, और कूर भजोरे काना कुछ है मेरे यहाँ पर का। अबे न तेरी और सूरत दिखलाने का, और है बेशक कम जर्फ दोगला दिन बिना मर जाने का। नालायक तूने वो काम किया है, अब हिजड़ों का सा काम किया। आए हाय जियो जियो रे लला, जियो जियो रे लला, आए जंगल में सार बोले हुआ हुआ, आए पेट में का बच्चा बोले भुआ भुआ, आए हाय झमका देना रे, आए हाय झमका, आए आए दासी रानी गोरी, आए हाय आज बिछिया पहन ले, आए बस कर महल राजा, साड़ी पहन ले बिछिया पहन ले, आया झमका गेरा रे महल राजा। देख महल राजा हमारी किस तरह मजाक उड़ा रहे हैं, देख लो तुम्हारा। अबे हिजड़ों का सा काम किया, और रण छोड़ भाग आने का, अबे बहादुरों का काम जंग में कट के मर जाने का। करा दिया जग में ठट्टा, अबे बुजले नीम जनाने तूने मुझे लगा दिया पट्टा। दादाजी कुल महाविया आरवा बड़े लड़ा के जवान, उनसे दी पाना फतेह दादाजी क्या समझा।
निकट सुभट तलवार चलाना। राजन अब क्या सोचा है आपने? मेरे सामने मेरे दुश्मन की तारीफ और कर रहा है, अब क्या सोचा है? अब ये तो तुम्हारी बात बिल्कुल खराब हो गई महाराजा, और इज्जत तुम्हारी धूल में मिल गई। अब तो इस जमीन पे या तो शंकर सिंह ही रहेगा या मोहब्बे वाले ही। शाबाश शाबाश, एक बात और बताऊं ये तरकीब। वो क्या? आहा, यमुना, यमुना जिसका नाम है, अगर मान लो किसी तरह से युद्ध आप राजन हार जाएं, जिसको ब्याह के ला रहे हैं, हाँ जिसको ब्याह के ला रहे हैं ना, जागरण के लिए जो जमुना है, कैसी है वो? वो आहा नेकों में नेक, हजारों में एक। अच्छा, जमुना जिसका नाम है, आहा रेशम जैसो लच्छा, बुलबुल जैसो बच्चा, खाड़े की सी धार, मारे तो फक निकल जाए पल्ली। अच्छा, अरे देख जो तुम पाओगे दीवाने, वो जाओगे। तो कैसी है राजन? मीन खंजर मृगनेनी, आहा हा चंदे आव चंदे मेहताब, मीन खंजर मृगनेनी, शंकर सिंह महाराज किसी विध चाहिए उसको ले। अगर आप जमुना हरण करा लेंगे ना तो ये अच्छा रहेगा महल सरदार। और वो हाँ जी, राजनीति में ये नीतियां चलती हैं, शाम दाम दंड भेद, दंड भेद ये बात है नहीं। अगर ऐसा अवसर आया तो हम अवश्य ये करेंगे। ए, करेंगे नहीं तो एक तीर में दो निशाने होंगे। ये बात ये बात। और जो तुम्हारे वीर है ना, जिस तरह से रावण सीता जी को लाया था, उसी तरह तुम वो सीता हरण हुआ था, यहाँ जमुना हरण। बेशक बेशक, जमुना हरण हो जाएगा, ठीक है। अब तो उनसे डटकर लड़ाई होगी। मैं कह दूं उसे जाके, हाँ के लड़ाई लड़ने के लिए शंकर सिंह, बिल्कुल उनसे कह दो वो सावधान हो जाएंगे, क्योंकि सोते हो को धावना अच्छा नहीं है। नहीं अच्छी बात नहीं। तुम्हारे लड़के ने तो बात दो कौड़ी की करा, बस उसका नाम मत लो मेरे सामने। नाम ना लो, तुमने कौन सी तारीख में जन्मा था? खामोश, आगे होश, आगे होश। अब इधर तो लग गई, अब उधर उन्हें तैयार कर दूं। भांजे क्या हुआ मामा? भांजे राजा गजब हो गया। क्या हो गया? वो सेना लेके आ रहा है उसका बाप। अच्छा, शंकर सिंह राजा आने दो, सेना लेके आ रहा है। हम भी तैयार हैं अपने सेना से। बिल्कुल, अरे बड़े लड़ाके मोहल्ले। Yeah.
शाम होने जा रही है। क्या कहा? शाम होने जा रही है, सूर्य नारायण अस्त होने जा रहे हैं, छुपने जा रहे हैं। देखो सामने, आप वीरों का कर्तव्य नहीं है कि शाम के वक्त लड़ाई लड़े। मामा जी इनको समझा देना। और हाँ बिल्कुल समझा देंगे। ठीक है, सुबह देखना, सुबह बहादुर हो तो सुबह जाना मत। हाँ सुबह लड़ाई होगी। तुम्हारी एक और दो कौड़ी की बात फिर हो गई। क्यों? के एक बात है राजन, ये दुश्मन सुबह ही कूच कर जाएंगे। अब सोच लो कुछ भी। राम राम। आज अभी से जांच दो और ये सूरज दाबादार जीती जाती है, मैं तो कोई बाजी आयो। सुबह चले जाएंगे और यह भी दुनिया में शोर मचा देंगे कि हमने शंकरगढ़ के राजा शंकर सिंह को मैदान जंग में परास्त कर दिया। अजी महज ये महज शर्मिंदगी को दी और जहां हमें मुंह दिखाने शर्म। आज शर्म उल्टी चढ़ी हम पर, हमारा देखो ये सर उठाने से और शर्म। अब एक ही उपाय है उनको रोकने का, बजरिए बजरिए अपने अपने वीरों के, मैं उस जमुना रानी को हरवा लूं। आज अपने वीरों को काम में लाऊंगा। बजरिए अपने वीरों के, मैं जमुना रानी को हरवा लूं। ये मेरी बिगड़ी बिगड़ी हुई किस्मत बनेगी देखो इस बहाने से। रानी के माहिर सरदार ने बड़ी तारीफ की थी कि बहुत सुंदर है, क्यों ना एक तीर में दो निशाने करूं। जब नरानी को अपने वीरों के जरिए यहां महलों में बुलाकर अपनी पटरानी बनाऊंगा और सुबह होते ही युद्ध में मोहबे वालों को खत्म कर दूंगा। अब मैं अपने वीरों को याद करूंगा। ए वीरों, आओ आओ आओ।
कोई तकलीफ तो नहीं? ये सब की जाते हैं। तुम इनके सरदार हो, इसलिए तुम्हें बताना आवश्यक है। हमारी सीमा पर मोहबे वाले टुकड़खोर आल्हारू दल की सेना पड़ी हुई है। वो एक औरत को ब्याह के ला रहे हैं। उस सेना के अंदर एक अच्छा सजा हुआ तंबू होगा और उस तंबू के अंदर एक ही पलंग पर एक स्त्री और एक पुरुष आराम से सो रहे होंगे। तुम्हारा काम है उस पुरुष को तो नीचे जमीन पे पटक दो, हाँ, और मैं पलंग के उस स्त्री को हमारे महलों में ले आओ। हाँ, बराबर मिलेगी, दो भैंसे कटवाऊंगा। मजा वालों को ये मालूम हो जाएगा कोई इस दुनिया में और विवाह नहीं। हाँ ले आए, कैसी है? अच्छा नहीं, इनाम मिलेगा, इससे हमारी शादी होगी। नहीं जाओ, तुम्हारे लिए मांस तैयार है और दारू तैयार है। क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? नहीं, इससे हमारी शादी होगी। क्या ये, यानी इसको काट के बीच में दो टुकड़े कर दें, फिर क्या होगा? ये सब मेरा। वाह 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 वाह, जब ये एक जानवर भी इसके रूप को देख करके इतना आशक्त हो रहा है तो हमारा क्या हाल होगा? खैर, देखते हैं इसका हुस्न कैसा है। यारब, इस नाजनी को और दिया गजब कालून, अज हुस्न सरापा हूँ बहूर, ये है परिस्तान की। सितम किस कदर सोती की सूरत पर भोला पर। बदल चल चल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष ना देना जग वालो, मुझे दोष ना देना जग वालो, हो जाओ अगर मैं दीवाना। चल चल सबदल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष ना देना जग वालो, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। बदल सब बदल
सुंदर ये सुंदरता की मूरत है। तन भी सुंदर मन भी सुंदर ये सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद कम होगी मुझे इसकी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत तुम्हें तरसा हूँ दूर न जादे तरसाना। चल चल सबदल चल चल चितवन मेरे से तेरा ये मुस्काना। चल चल सबदल चल चल चितवन। अब तो सब्र नहीं हो रहा, इसको जगा के इससे दो दो बातें करनी चाहिए और इसको हर हालत में शंकरगढ़ में रहना चाहिए। कहाँ क्या माजुरा नायाब है सोती हुया जगती हुया आता नजर कोई ख्वाब है। हैरत से हैरा तक रही अफसोस ये आया मुझे सोती कौन यहाँ लाया मुझे। यार अब नहीं मालूम होता किस बला का है ये घर। अनजान एक दिखे बसर अपना न कोई आता नजर। डेरा कहाँ तंबू कहाँ पलटन कहाँ लश्कर कहाँ नौसा कहाँ सोहर कहाँ प्यारा कहाँ दिलबर कहाँ। हे भगवान ये इधर उधर देखो जिन्हें और तुम्हें साहिब जमाल अब मिल लेके नहीं जाने मन तुम छोड़ दो रहे जो मलाल हमारी तेरी ऐसे ही चले चल। जान मन किस लिए जार जार रोती हो और हक ना हक माहे जिबिल तुम असुओं से ये मुख धोती हो। नहीं 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 ये रोना नहीं चाहिए। जाने मन ये जो आंसू है ना तुम्हारे ये मोती से भी कीमती हैं और इनको देख करके शंकर सिंह के हृदय पे साफ सा लेट रहा है। आप कौन हैं? मैं तो तुम्हें जानती नहीं हूँ। मेरा नाम शंकर सिंह है और तुम शंकर सिंह के महल शंकरगढ़ में मौजूद हो और ये पलंग
डरती हूँ किस लिए जाने मान क्यों ना पलंग सोती हो और किस्मत खुली तुम्हारी हमारी जो तुम पटरानी रे हो जमना तुम्हारी है ये खुश तुम्हारी है ये खुश खुश किस्मत जो मेरी तुम पटरानी कहो और मजे से मौज पल के इस पल के पर मुझे नहीं लेना है मौज मुझे तुम जहां से लाए वहीं पहुंचा दो मजे से मौज पल के पर पड़ी प्यारी उड़ाओ मजे से करो दिल शाद शंकर सिंह का तो तुम्हें आराम ऐसे दूं मुझे नहीं चाहिए तेरा आराम करो दिल शाद शंकर सिंह का तो तुम्हें आराम ऐसे दूं कैसे के पितर मादर वो शोहर शोहर को जान मन तुम भूल जाओगी अरे पितर मादर वो शोहर जमना अरे ओ कुत्ते कमीने भाई वाह क्या अच्छा नाम रखा है कुत्ता कमीना मुझसे दूर से बात कर चाहे तू कुछ भी कह ले चाहे तू कुछ भी कह ले पागल गधा अनारी है भाई बुरा ना मानूंगा तेरा क्योंकि तू तो मेरी अलग अलग हट हट परे और बेईमानी कुजाती और उन्हें ये पुलियों कात पे मुंह संभाल कर दांतों चले
गधा। अरे ओ गधा, तेरी औकात नहीं है मेरे मुझसे शादी करने लाग। लेकिन जमुना रानी, गधा भी दिल रखता है, वो अपनी अपनी गधैया से मोहब्बत करता है। तो कोई, मैं तुमसे मोहब्बत कर रहे हैं। मैं कोई गधैया हूँ? तुम तो मेरे दिल की रानी हो। हे अचरज की बात, गधे भी खस के चैन वाले और बन वाला मुखोर चखे जो मोहन भोग मसाला। हम लाचार हैं क्योंकि तुम्हारे जो नैन हैं ये भगवान ने ऐसे बनाए हैं, प्याले जैसे, कटोरे जैसे, और हम इनमें डूब जाना चाहते हैं। मेरे ये नैन, तेरे नैन कटोरे और ये काजल डोरे, मैं तो तन मन बार गया। ओ तेरे रूप का जादू जमुना शंखपति ने मार गया, ओ तेरे रूप का जादू जमुना शंकर सिंह ने मार गया। ओ नैन कटोरे काजल डोरे, मैं तो तन मन बार। रेशम डोरी हेरा, रेशम डोरी झुक झुक गोरी, नीर खींचती कुबे पे। ओ ये नीर खींचती कुबे पे, चुपके चुपके वो कुबे का जल, ये जो बन मास निहार गया। ओ तेरे रूप का जादू जमुना नहीं है। हेरा भूल नहीं पाऊंगा मैं गोरिये रात चांदनी अलबेली। ओ, 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 ओ। एक चांद आसमान पर है और एक चांद मेरे महलों में चमक रहा है। हेरा भूल नहीं पाऊंगा मैं जमनाए रात चांदनी अलबेली। ओ, ये रात चांदनी अलबेली, देख के तेरा सुंदर मुखड़ा, ये चांद गगन के पार गया। ओ तेरे रूप का जादू जमुना शंकर सिंह ने मार गया, तेरे रूप का जादू जमुना शंकर सिंह ने मार गया। ओ नील कटोरे जमुना, इतने इससे ज्यादा बेशरम कोई आदमी दुनिया में हो नहीं सकता, और ना कोई होगा भी और ना देखोगी। क्या बताऊं, तेरी गुस्से की शक्ल, तेरी गुस्से की शक्ल देखो मेरा दिल और हो गया से डामा डोल प्यारी। हेरे औरी सोरी क्यों बतला दे एक बेहस के बोल प्यारी। ए,
मगर देखो मेरा दिल हो गया सदा डोल प्यारी और सॉरी क्यों बतावे एक बे हंस के बोल प्यारी हम तारीफ तो आपकी बहुत देर से कर रहे हैं और तुम गाली भी दे रही हो लेकिन हम तुम्हें और छूट दे रहे हैं तने बुरी लगे तो देल गाली अच्छा हे रे गोल तेरी आंख पूतली काली बनाने वाले ने बस एक ही चांद जमीन पे उतारा है बनाते तने बुरी लगे तो देल गाली और गोल तेरी आंख पुतली काली तेरी दोनों तोप भरतपुर आई तेरी दोनों जमुना रानी तुम्हारे दो बोल मीठे बोलने से क्या हो जाएगा मैं तुझसे बात करना नहीं चाहती हे रतन मेरा भी मन डट जाएगा और गोरी हंस बोल बखत कट जाएगा तेरे साथ में अगर तुम प्यार से हमारे साथ पेश आओ तो रात में मजा आ जाएगा ये रात और रंगीन बन जाएगी प्यार की बातें और तुझसे अरे ओ कुत्ते जा तन मेरा भी मन डट जाएगा और हंस बोल बखत कट जाएगा तेरा सौदा सही नकद पट जाएगा सौदा तेरा सौदा सही नकद पट जाएगा शंकर सिंह ले मोल प्यारी और सॉरी तू बतला हमसे शादी करोगी तो मजा आ जाएगा अरे कौन वो जागन आगन वो क्या कल परसों का लड़का उसके दूध के दांत भी नहीं उखड़े हमको अगर आराम दोगी तो मजा आ जाएगा तुझे कभी भी आराम नहीं दे सकती मैं ओहो अरे अरे मेरे दिल पे लिख दिया नाम अरे अरे मेरे दिल पे लिख दिया नाम ये जमुना हो जमुना ये जमुना गोरी ने अरे अरे मेरी बहू बना दे राम ये जमुना गोरी ने अरे अरे मेरी बहू बना दे राम ये जमुना गोरी ने मेरे आदत तो कस के कौन चक्रवेल पर भी देखो राजू करवट बदलू में परछाई भी इसकी मिल जाए इसके पाछे पड़ लू में
शामी मेरे आजा तो कसके कौड़ी भली में अरे अरे मेरी कर दी नींद हराम ये जमना वो जमना ये जमना गोरी ने अरे अरे मेरी बहू बना दे राम ये जमना छोरी ने अरे अरे मेरी बहू बना दे राम ये जमना छोरी ने परेशान कर रही हो मुझे तुम परेशान कर रहे हो या लाके अरे मैं परेशान रहूं उड़ाया परेशान रहे आके मैं मेरे तेरी चंद्रमा सी शान रहे कहीं बता दे फिर क्यों करिए ईमान रहे जब ना तुम्हें देखकर मेरा तो क्या ऊपर बनाने वाले का भी ईमान डूल जाएगा तुम हो ही इतनी सुंदर अरे मैं परेशान रहूं उड़ाया परेशान रहे आके मैं मेरे चंद्रमा सी चांद रहे तही बता दे फिर क्यों कर ये ईमान रहे अरे अरे मेरा कर दिया ठीक जुखाम ये जमना हो जमना ये जमना छोरी ने अरे अरे मेरी बहू बना दे राम ये जमना गोरी ने अरे अरे मेरी बहू बना दे राम ये जमना गोरी ने जमना नहीं जमुना अभी हम बहादुरी नहीं दिखा रहे बहादुरी तो दिखाई रही अभी तो हम तुमसे प्यार की बातें कर रहे हैं मुझसे प्यार की बातें मत करो हमने सिर्फ प्यार किया है तो तुमसे किया है हम सब चाहते हैं कि हम तुम्हें अपनी पटरानी बनाना चाहते हैं ओफो पटना पटरानी और तेरी क्यों क्या हुआ कुट्टन क्या सर पर तेरे और रहा सनी चर छाए और आवे गीदड़ की कजा गाओ सामने जा उन्हें मारूंगा जरूर मैं
सच मेरा कहना, राजी से नाराजी से होगा शंकरगढ़ में रहना। मुझे नहीं रहना है, चाहे मुझे तुम जान से मार डालो। क्या? हाँ। जमना, मैं कहता हूँ मेरी मान लो। मैं नहीं मानूंगी। आँख खोलो और मुझे पहचान लो। मैं खूब पहचान नहीं तुम्हें। मैं तेरे साथ वो सलूक करूंगा। कुछ भी सलूक कर लो मेरे साथ में, पर मैं एक बात नहीं मानूंगी तुम्हारी। तो मरने पे आमादा है? हाँ। तुम होशियार हो जा। होशियार हूँ मैं तो। ये क्या कर रहे हो? हट जा मेरे सामने से। आप खूब आई, तुमने मेरी इज्जत बचा ली। ये तो बहुत बुरा आदमी है बहन जी। अच्छा, खामोश। ये कहाँ तक बचाएगी? क्या साहबी किस से करो हो तड़की भड़क तकरार, और कौन नाजनी कहाँ रहे बतलावो सही। वैसे तो तुम मेरे काम में दखल अंदाज हो रही हो, मुझे नागवार गुजर रहा है, लेकिन फिर भी आप बताइए कौन है ये? मैं तुम्हें इसका परिचय दे रहा हूँ। बताइए। इस रुख अनवर का प्रिय और है उड़न बिहार मकान। Ah!
जमुना है इसका नाम रूप। बिहार के राजा कांतामल की लड़की है और मची जंग इसके पीछे रे देख भारी आया। अब सुन लो कान खोलकर आल्हा और उदल महबे वाले अपने भांजे जागन की साथ इसकी शादी करके उड़न बिहार से ला रहे थे। उन कमीनों ने मुझे भी कांतामल समझा, मेरी हद में आकर उन्होंने धौंसा बजाया और जब मैंने मना किया तुम्हारा लड़का भेजा शेर उनको बंद करने का तो उस नालायक ने मेरी नाक कटवा दी। वो मैदान जंग में तलवार डाल के भाग आया। फिर मैं गया, मैंने युद्ध किया लेकिन अफसोस सूर्य नारायण छिप गए, वरना मैं उनका फैसला कल ही कर देता। अब मैंने एक तीर में दो निशाने किए हैं, इसको यहां बुला के अपनी पटरानी बनाया है और सुबह होते ही जब ये न मिलेगी तो वो जाएंगे नहीं, तब मेरा महवे वालों से युद्ध होगा। आपने ये बहुत बुरा किया। क्या बुरा किया? जो महवे वालों से आप दुश्मनाई ले रहे हो। क्या हो? जैसा बेटा वैसी ही माँ। प्राणनाथ, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ। क्या कहना चाहती हो? मत तके पराई नारी हो, नारी नहीं मार जाएगा धोखे में। मारो जाएगा धोखे में।
क्या कहना है? तेरी फौजी बिक जाए थाने में, तेरी बंदूक बिक जाए थाने में। जाने दो सभी, कुछ परवाह नहीं, कुछ परवाह नहीं, बिक जाने दो, सब कुछ बिक जाए। तेरी फौज लिख जाए थाने में और तेरी बंदूक लिख जाए थाने में, और तेरी प्रजा हो, 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 ये सब आपकी खोज पलटनी है जनता। क्या हुआ? अरे तेरी जनता को नीलाम और चुपचाप चली जाओ यहाँ से। मुझे अभी अपने साथ ले चलो। हमारी नसीहत अच्छी नहीं लग रही आपको? मुझे अभी अपने साथ ले चलो। क्या क्या इरादा है? तुमने समझा कि ये तुमको बचा लेगी? मुझे जरा सोच लेने दो, दो मिनट सोच लेने दो। ये कहीं ना समझदारी की बात, सोच लो समझ लो, लेकिन ये ध्यान रहे फैसला शंकर सिंह के ही हक में होना चाहिए। राजी से नाराजी से तुमको शंकरगढ़ में रहना होगा। अब इससे कैसे ही अपना ईमान और जान दोनों ही बचानी चाहिए। अगर इसकी बात मैं नहीं मानूंगी तो मुझे ये जान से मार देगा। हे भगवान, मेरी रक्षा करना तुम। अब इस बेईमान से बचना बहुत मुहाल, इस बार इसी से कोई चलनी चाहिए चाल, छल कपट से कोई चाल से, तिरिए जाल से मकार से, लाजिम बचाना जान को ईमान को बदकार से। घर पेश आऊंगी अगर इससे कड़ी गुप्तार से, कोई शक नहीं फौरन मेरा सर काट दे तलवार से। सुनिए जी, क्या फैसला किया है? मैंने एक फैसला सोचा है। हाँ या ना? सोचा क्या है? क्या? कि जब से मैंने तुम्हारा नाम सुना था, मैं उसी दिन से प्यार करती हूँ तुमसे। क्या कहा? हाँ, ये तो मैं देख रही हूँ तुम्हें मुझसे प्यार करते हो या नहीं तुम। फिर अब तक क्या हो रहा था? ये तो मैं तुम्हें दिखा रही थी मुझसे तुम कितना प्यार करते हो। वो हमारी आजमाइश ले रही थी। हाँ। तो हम आजमाइश में खरे उतरे? खरे उतरे आप? हाँ? हम ही रहे तुमसे छोड़ दे तो। तो अब जरा कुछ, हमारा दिल इतनी देर से दुखाया है तुमने, तो जरा
बहुत ज्यादा, बहुत करते हो। तेरे लबों के मुकाबिल गुलाब क्या होगा, तेरे लबों के मुकाबिल गुलाब क्या होगा, जब तू लाजवाब है तो तेरा जवाब क्या होगा। जमुना वाकई तुम तो तुम ही हो। अच्छा हाँ, इतने अच्छे लगते हैं तुम, बहुत ज्यादा। कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं, इतना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं, ये क्या जाने के इससे कितना प्यार करते हैं, कितना प्यारा। बड़ा ही मुश्किल ये सफर, गिर के संभले जो जमुना, हम नीचे जमीन पर गिरे तो हमको मंजिल मिल गई, मुझे मेरा प्यार मिल गया। गिर के संभले जो उसी को मिलती है मंजिल, हम बिछड़ने के ही ख्याल से बस डरते हैं, हम बिछड़ने कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं, कितना प्यारा। देखिए हाँ, इसमें एक शर्त है। वो क्या? जब तक तुम मौला वाला से क्या शर्त है, लड़के नहीं आओगे उन्हें मार के नहीं आओगे तब तक मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ये शर्त है मेरी। जमुना ये तो तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली, इसको तो मैं वैसे भी करूंगा सुबह होते ही। वैसे भी जब उनको मारना है और वैसे भी मारना है, उन्हें मारे आओगे। लेकिन मैं चाहता था कि पहले शादी हो जाए, सुबह होते उनको मार नहीं, उसके बाद में उनकी मैं सुन लूंगी फिर मैं शादी कर लूंगी। ठीक है तो हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं इतने वक्त तक जब तक हम मोहल्ले वालों को खत्म नहीं कर देंगे तब तक तुम्हें हाथ नहीं लगाएंगे हम। फिर हम कहाँ रहे? तुम हमारी लड़की कमला के महलों में रहोगी बाहिफाजत, वहां तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाने वाला नहीं होगा। ठीक। और जिस चीज की भी तुमको दरकार हो वो सब चीज वहां से तुम्हें मुहैया हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे शंकर सिंह से कोई चालाकी या कोई छल फरेब करने की कोशिश की कोई चालाकी तो उसका अंजाम बुरा होगा। तो कोई चालाकी नहीं। ठीक है तो सामने हमारी लड़की कमला का मकान है, जाओ वहां आराम से जाओ। जमुना हरण हो जाता है और राजा शंकर सिंह अपनी बेटी के यहाँ जमुना को रख देता है। अब उधर मोहवे वाले जागते हैं तो जागन क्या कहता है, उदल कहता है कि भाई जागन तैयारी करो चलने के लिए, मोहवे की तैयारी करो सब लोग। अब वो जागते हैं तो क्या देखते हैं और क्या कहता है जागन। जागन आइए मामा जी, तैयारी करो चलने की, कई दिन हो गए। मामा जी आप चलने की तैयारी कर रहे हैं या गजब हो गया मामा जी। क्या हुआ मामा जी? यहाँ तो मेरी बहू को कोई उठाने गया। क्या कहता है? हाँ मामा जी, छैया कन्हैया कहे क्या सखुन, सुन सखुन दिल मेरा धीर धरता नहीं, ये सुन सखुन दिल मेरा धीर धरता
चौकी बपहरे ये पहरे लगे चौ तरफ बंदोबस्तों में कोई कसर ही नहीं। क्यों नहीं कर रहे हो महवे के लिए? चाचा जी, जागन की बहू को कोई हरण कर ले गया, जाने कहां गई हैं? कहां गई? कौन ले गया बहू को? ले गया मालूम नहीं। ओफो, तोबा तोबा तोबा, ये क्या हुआ बेटे? ये क्या करें, चौ तरफ देख रहे हैं, सारी मेहनत और सारा युद्ध हमारा बेकार हो गया। बेकार हो गया हैं? अबे तू कहां चला गया था? बहू को कौन ले गया? मैं यहीं पे सो रहा था, पलके पर। पलके पे एक जगह सो रहे थे? हाँ, मुझको पलके से ढकेल दिया और मेरी बहू को पलके समेत उठा के ले गया कोई। तो मैं नीचे डाल दिया? मुझे नीचे डाल दिया और बहू को ले गए? बहू को ले गया। समझा बेटे, मैं समझ रहा हूँ, तुम्हारी बहू को कौन ले गया बताइए ना। चौतरफा होते फिरा सबके सब हैरान, मगर कोई पहुंचा नहीं अभी शंकरगढ़ दरम्यान। भेजोगे जो पता लगा के लाएगा? किस तरह से भेजा जाए ये बताओ। अरे मगालो फूल चमेली और बना के बांधने अलबेली, रूप बनाओ। अच्छा, जनाना बना के हार गजरे बनवा कर और भेद उसे शंकरगढ़ दीजिए, वो लावेगा पता तो लगा कर। उसे बेटा जनाना बना के मालिन बना के भेजो। अच्छा अच्छा, और वो पता लगा लाएगा, शंकर सिंह राजा उसे नहीं जानता है। इधर आ,
देख बहू के कपड़े है, बहू के कपड़े भी गए साथ में। कपड़े भी गए? कपड़े भी, अबे वो रखे होंगे दुल्हन के, वो बक्सा भी ले गए क्या? नहीं रखे, हाँ, है बक्सा ये, वो दुल्हन के जो कपड़े रखे हों, हाँ, उन्हें पहना के उसे जलाना बना के और शंकरगढ़ भेजो। ठीक जा, जा, जा बना के ला, हम जब तक बात कर, चल ला उसको बना के ला, जलाना बना के ला, और फूल उल हार वार मनवा लो। अरे तोबा तोबा, लाहौल बिला कुबत, क्या गजब हो गया, बहुत गजब। अब किस तरह हम मुंह दिखलाएंगे उदल बेटे, क्या करें हैं? मोहबे जाएंगे तो हम किस तरह मुंह दिखाएंगे वहां, हैं? उसे समझा दूं मैं, जल्दी ला बना के बेटे। कपड़े तो रखे होंगे? हाँ रखे हैं। और उसके पाजे वाजे, उसको जनाना बना, वो ऐसा लड़का है, हाँ, कि वो जनाना बन के जाएगा तो पहचनेगा नहीं। अच्छा, हाँ जनाना या मर्दाना है? आ गया, आ गया, किधर है? मामा जी बहू आ गई, देरी मामा जी बहू आ गई। ये कपड़ों को देख के बहू बता रहे हैं, देखो क्या पागल हो गया। अबे ऐसा कर मार यार, हैं बेटे नवल सिंह, कहिए बाबा। जाओ तुम उसका पता लगा के लाओ, बहू का सिर्फ पता लगा लाओ, फिर हमने देखे, हम अच्छा। देखेंगे उसको, है? आप, हाँ, ये देख के आओ, राजा ही रहेंगे आपके, हाँ राजा शंकर सिंह के, हम सेना को जब यहाँ से ले जाएंगे जब तू आ जाएगा लौट, ठीक है ना? ठीक। मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। ठीक है। कोई हरवा ले लो, है कोई माला ले लो, और कोई गजरे ले लो, हंसराज आप ले लो, है कोई हरवा ले लो, ये मालन तो आई से, मेरी भौनी भी ना हुई, ना जाने किसका मुंह देखा है। आज मिला ना कोई खरीदने वाला, गड़ गड़ आई जाकी, और एक एक गजरे हरवा को आज हो कोई लाख तक साहिबान सामने से आ तो रहे, मगर इसमें तारीफ क्या है जी? मेरे हरवा की तारीफ क्या है? हाँ जी,
भैया माल तो कंटाने हैं, क्या बक रहा है, क्या बेच रही हो, ऐसी क्यों घबरा रही? ओफो, बड़ा गरम माल है। मत लगाए, काट दूंगी बाबूजी। हाँ, क्या बेचती है, क्या क्या है ये? हार बेच रही हूँ। किसके हार? अरे नपुते सत्यानाशी हार नहीं। और किसके हार बेच रही है? हार नहीं है, गजरे। हाँ। अच्छा, गाजर अंदर छोड़ आई है खेत में, गजरे काट लाई है। बुद्धू गजरे हैं? माला, फूल माला। फूल माला? हाँ। अच्छा, तो क्या कीमत है, क्या सिफत है? कीमत तो कुछ भी नहीं है। क्या सिफत है इसमें, कीमत क्या है इसकी? ए, हाथ मत लगाए। नहीं, हार को पूछ रहा हूँ मैं, कीमत इसकी। हाँ। बताऊँ? हाँ हाँ। सिर्फ 1,00,000 टके का एक फूल है। हैं? बस 1,00,000 टके का एक फूल? हाँ। और इसमें सिफत क्या है? सिफत बता दूँ? हाँ। अज सोबे पहरे हमारो हरवा ले प्यारी को संग, अज सोबे पहने हमारो हरवा कोई ले प्यारी को संग। अरे बता दू रावत जी, तुमको बता दू क्या? बिल्कुल बताओ, यही तो कैसे बेचेंगे। अच्छा। हाँ। और सोबे पहने हमारा हरबा। हाँ। और ले प्यारी को संग, और वो दमखम हारे नहीं रात भर। अच्छा। ए बाजू सुन ले। अच्छा अच्छा। और दमखम हारे नहीं रात भर कोई करे बना। मेरे खसम की कसम दवा रहा है? कसम खसम की है तुझे। क्यों? अरे सच्ची सच्ची बोल। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? और कहे हाड़ का मोलिया मलनिया अपना कहती बताइए तूने 1,00,000 टके का एक फूल। अच्छा। अरे मुश्किल से कोई दे हार की, और पाई दो
है मोहड़ा खोले क्या करूँ हाय हुसन चमकाती जोले वो तो चमकाऊंगी हार ले ले बदतमीज हाँ समझ सच्ची मन माहे समझ सच्ची मन माहे ग्राहक अच्छा तेरे ग्राहक बहुत है यहाँ हाँ। अरे मूरख क्या है तू मेरे साथ चलेगी अब कहाँ चलेगी हाँ, चल मेरे साथ कहाँ है कहाँ सोनोटेक कंपनी है ना ए मैं नहीं जाऊं कंपनी मैं नहीं जाऊं अरे दोनों के फोटो आएंगे उसमें मैं तो अकेली फोटो हाँ, दूंगी तू ये नौटंकी में धर्मपाल की नौटंकी में कर दूंगा क्या हाँ सोनोटेक कैसेट कंपनी में चल वहाँ अरे मूरख गधा तुम्हारे संग नहीं जाऊं मैं अच्छा हाँ देख समझ सच्ची मन माहे अरे ग्राहक तेरे हजार हार को या कोई ग्राहक बहुत है यहाँ अच्छा हाँ तेरे हार का कोई ग्राहक नहीं है हाँ चल मेरे साथ मस्करी मत करे क्यों क्या बात है अरे मैं अकेला हूँ तू भी अकेली है तुम हाँ, अकेले हो हाँ हाँ चल झूठ बोल रहे हो नहीं नहीं अकेला हूँ मैं भी देख पढ़ा लिखा आदमी हूँ ऐसा पढ़े लिखे हो हाँ मुझे तो तू गमार मूरख लुक का लग रहा है कमाल कर दिया ये टाई नहीं देख रही है टाया है टाया फैशन देख ले मेरा फैशन क्या तुम पढ़े हो फैशन देख ले कलर देख ले मेरा पोजीशन देख ले हाँ। देख लो इसका फैशन मोदूदास का गमार का कम से कम मेरी राइटिंग देख ले मेरा चढ़ाव उतार बदतमीज क्या हाँ। चढ़ाव उतार है बदतमीज बता रही है चल 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 हाँ। और साथ हमारा मसकरी और तू करे चला बेसेन अरे अच्छा ए हाँ। यहाँ क्यों मार रहा है ये हवा बंद हो गई है ना बदतमीज हवा बंद हो जाती है तो आँख चलने लगती है तुम्हारी हाँ, जब हवा बंद हो जाती है मेरी आँख चलती है ए मूरख कहाँ से आ गया सवेरे सवेरे और तू करे चला बेसेन अरे मसकरा मैं न कछु लगू तेरी माँ बहन मारूंगी ऐसे और मैं ना तेरी माँ बिन जोश के अच्छा ओ और मैं ना तेरी माँ बिन जोश के फारे दंदानों को और तू फारे दंदानों को और चल हट ज्यादा मुंह न लगाऊं मैं तुझसे इंसानों को तुझसे इंसानों We'll be right back.
जो पहने सो पहचाने और गधे मूरख क्या जाने। अच्छा महक से दिल खिलता है और बेवकूफ एक लाख टके का एक फूल मिलता है। यानी एक लाख का एक फूल मिलेगा। तो एक बात सुन, मैं अकेला हूँ तू भी अकेली है, अब मेरी तरफ देख ले। फिर मैं क्या करूँ अकेला था? है? मैं क्या करूँ? ओ, 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 ओ सामन की सी वो मखनू, अरे साम ये सामन की सी घटा छटा सी मके छूटन लागी रे, और 20 बरस की नारी मरद ने हो लूटन लागी। तेरी बेरी है सारस की सी जोश।